फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाइए और उसके बाद जो बेल आइकन आपको दिखेगा उसे भी दबाइए। उससे आपको मेरे फर्दर अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, थैंक यू। कीमा, कलेजी, मटर बनाने के लिए जो हमें सामान लगेगा वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। ये मैंने लगभग आधा किलो कीमा लिया है। आप इस तरीके से छन्नी में ले लीजिए और इसे बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिए। और आप देख सकते हैं मैंने ये आधे किलो कीमा में लगभग पाव किलो मैंने ये इस तरीके के पीसेस लिए हैं, जो ये लीवर के कहलाते हैं, मटन लीवर। आप इस तरीके से पीसेस लेके इसे अच्छे से छन्नी में धो के सारा पानी निकाल लीजिए। आइए देखते हैं हमें कीमा के और दूसरा सामान क्या लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बारीक एकदम कांदा काट लिया है। ये लगभग अगर आधा किलो कीमा है तो आप पाव किलो के हिसाब से, पाव से थोड़ा सा ज़्यादा आप बारीक कांदा ले लीजिए। यहाँ पे एक कटोरी मैंने मटर लिया है, फ्रेश या फ्रोज़न जो चाहिए आप ले सकते हैं। ये एक कटोरी टमाटर है मेरे पास जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और एक कटोरी से थोड़ा कम मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। जो सूखा मसाला हमें लगेगा कीमा के लिए वो मैं आपको झटपट बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस तरीके का गरम मसाला ले लेंगे, सूखा तेजपत्ता, काली मिरी और लवंग। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा लिया है। यहाँ पे है मेरे पास हल्दी, नमक, ये लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, ये मेरे पास है 2 छोटे चम्मच एवरेस्ट का मटन मसाला, ये मेरे पास है गरम मसाला जो मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। आइए देखते हैं अब हमारा कीमा आगे कैसे तैयार होता है। यहाँ हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। ये कीमा मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी। आप चाहिए तो इसे नॉर्मल रिफाइंड में भी बना सकते हैं, बट हमें नॉनवेज अक्सर राई के तेल में या सरसों के तेल में बनाना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं इस तरीके का सरसों का तेल ले लीजिए। अगर आपको ये प्रीफर करना है तो आप इस तरीके से फॉर्च्यून का तेल है, राई का तेल सरसों का, वो हम डाल देंगे हमारे कढ़ाई में। इसे लगभग मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच ले लिए हैं और इसे स्मोकिंग पॉइंट आने तक हम इसे गर्म होने देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा तेल जो है स्मोकिंग पॉइंट पे आ गया है। ये करना इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप इसे स्मोकिंग पॉइंट पे नहीं लाएंगे तो आपके डिश में एक कच्चे तेल का स्मेल आएगा। इसके लिए आप इसे इस तरीके से स्मोकिंग पॉइंट तक जला लीजिए। अब कभी भी ध्यान दीजिए, आप कुछ भी तेल में, गर्म तेल में बनाने जा रहे स्मोकिंग पॉइंट पे, आप स्मोकिंग पॉइंट आने के बाद हमारा गैस आप बंद कर दीजिए। इसे 5 मिनट रुकने के बाद फिर हम इसकी आगे की कुकिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा तेल फिलहाल गर्म ही है। इस तेल में हम सबसे पहले हमारा ये जो थोड़ा सा गर्म मसाला है, तेजपत्ता, थोड़ी सी काली मिरी और लवंग, इसे डाल देंगे। बाद हम हमारा ये जो चॉप्ड कांदा है इसे डाल देंगे। और इसे लाल होने तक हम भूंज लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा कांदा बिल्कुल अच्छे तरीके से लाल हो चुका है, मतलब तेल में अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसे डालेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच, 2 बड़ा चम्मच और 3 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि हमारा मसाला जल्दी भुन जाए। और इसे मैं ढक के थोड़ा स्लो आंच के ऊपर 5 मिनट पका लूंगी। ये देख लेते हैं हमारा मसाला भुन गया है कि नहीं। ये देखिए अच्छे तरीके से तेल छूट गया है हमारे अदरक लहसुन और प्याज का। अब इस स्टेज पे आके हम जो हमारा ये टमाटर है इसे डाल देंगे। लगभग एक बड़ी कटोरी मैंने ली है टमाटर की। ये देखिए हमने हमारे टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक थोड़ा ढक के पका लिया था। आप देख सकते हैं अभी हमारा टमाटर काफ़ी गल चुका है। अब हम इसमें अपना सूखा मसाला डालेंगे। हम सबसे पहले इसमें हमारी ये जो लाल मिर्ची है इसे डाल देंगे। लाल मिर्ची आप देखकर डालिए क्योंकि इसमें गरम मसाला भी पड़ेगा, मटन मसाला भी पड़ेगा। तो अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिए। मैंने लगभग 1 चम्मच डाला है। इसमें मैं लगभग आधे से थोड़ा कम हल्दी डालूँगी।
थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, आपने पहले भी मसाले में नमक डाला हुआ है। ये मेरे पास है धनिया पाउडर, इसे मैं 1 और 2 चम्मच के करीब डाल दूंगी। यहाँ पे है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्ची, जिसे मैं 1 चम्मच ले लूँगी। ये मेरे पास है मटन मसाला एवरेस्ट का, इसे मैं 1 और 2 चम्मच डाल दूँगी। और ये मेरे पास है गरम मसाला, जो हम अभी थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट के लिए, और बाकी हमारी डिश पूरी होने के बाद। इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आपको अगर मसाला और ज़्यादा डालना है, सूखा मसाला, अपने टेस्ट के हिसाब से आप और डाल सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी वगैरह। अब हम इसे भी थोड़ा ढक के तेल छोड़ने तक भूंज लेंगे। आइए देख लेते हैं हमारा मसाला तैयार है कि नहीं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा मसाला भून चुका है, सारा तेल छूट गया है। अब इस स्टेज पे आके हम हमारा कीमा डाल देंगे। ये कीमा जो मैंने अच्छे से धो के रख लिया था, इसमें कुछ पीसेस कलेजी की भी है, मटन लीवर की, इसे भी हम डाल देंगे। और अब हम इस मसाले में इस कीमे को अच्छे से भूंज लेंगे। अब हम इसे ढक के स्लो आंच पे तेल छूटने तक भूंजते जाएंगे। ये देखिए, हमारा कीमा अच्छे से भूंज गया है, आप देख सकते हैं सारा तेल छूट रहा है। अब इस स्टेज पे आके हम हमारी ये जो 1 कटोरी मटर है, इसे डाल देंगे। ये मटर मैंने पहले नहीं डाला था, क्योंकि मटर जल्दी गल जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके स्लो आंच पे हमारा कीमा गलने तक इसे पका लेंगे। ये देखिए, हमारा कीमा अच्छे से भूंज गया है, इसका तेल छूट गया है सारा। अब अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप इस कीमे को कुकर में डाल के 1 सीटी देके प्रेशर कुक कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्लो आंच पे कीमा गलने तक इसे पका सकते हैं। मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और 1 सीटी दे दूँगी। ये देखिए, मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के इस कीमे को ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब हम इसे 1 या 2 सीटी लगभग दे के इस कीमे को गला लेंगे। ये देखिए, हमारा कीमा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। इसे मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं किया है, इतना थिक किया है कि आप इसे चपाती के साथ या अक्सर कीमा पाव के साथ खाया जाता है। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से इसकी बना सकते हैं। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमारा कीमा कलेजी मटर बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें गरम मसाले और अदर दूसरे मसाले की। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ या पाव के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसे ज़रूर बनाइएगा और सर्व कीजिएगा, सबको खिलाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।